बालाघाट में दिव्यांगों का आंदोलन पिछले 5 दिनों से जिला पंचायत कार्यालय के सामने लगातार जारी है। इन दिव्यांगों की स्थानीय प्रशासन से कुछ मांगे हैं, जिसे लेकर अब तक प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई। लिहाजा अब दिव्यांगजन इस पूरे आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। इसी को लेकर आज दिव्यांगजनों ने शहर में एक अनूठा प्रदर्शन किया। ढोल और झांझर बजाते हुए शहर में रैली निकाली और जिला प्रशासन के लिए लोगों से भीख मांगी। इसके पीछे दिव्यांगों ने यह तर्क दिया कि जिला कलेक्टर और शासन प्रशासन के पास उनकी मांगों को पूरा किए जाने के लिए कोई बजट नहीं है, लिहाजा उन्हें प्रशासन के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। दिक्कत ये है सर, कलेक्टर के नाम से भी किसी लिए मांगना पड़ रहा है हमको कि रात में तहसीलदार महोदय और जनपद सीओ चूँकि आए थे, प्लस पुलिस प्रशासन भी आई थी जहाँ पे हमारा धरना प्रदर्शन है उस जगह पे, तो उस जगह में सर हमको उठाने की पूर्ण कोशिश की गई। हमने बोले कि सर हमारी इतनी मांगे हैं जो नॉर्मल सी मांगे हैं जो पूर्ण हो सकती है, जो कलेक्टर के हैंडओवर पे है सर, वो मांग पूरे हो सकती है। परंतु तहसीलदार महोदय ने बोले कि ये सारी मांगे ऊँचे लेवल की है तो ये नहीं हो सकते। और उससे पहले सर जब SDM महोदय आए थे तो SDM महोदय बोले थे कि ये सारी मांगे हैं जो जिला लेवल के हैं वो पूर्ण हो सकते हैं। परंतु हम बोले हमें लिखित में दे दो। जब तहसीलदार महोदय और जनपद CO जी ने आए थे तो बोले कि 1 महीना का टाइम दो हमें, तो हम कहे ठीक है हम टाइम दे रहे हैं आपको, लेकिन हमको लिखित में चाहिए कि आप लोग 1 महीने की टाइम ले रहे हैं हमसे और ये 1 महीने हम यहीं पर बैठेंगे, इस धरने को क्लोज नहीं करेंगे, ना हम शोर ना हल्ला नहीं करेंगे, आपको 1 महीने तक के हम यहीं पर मिलेंगे, किसी प्रकार के हल्ला नहीं करेंगे, शोर नहीं करेंगे, आप लोग को टाइम देते हैं हम 1 महीने के, लेकिन आप जो मांग रहे हो टाइम मांग रहे हो उसको लिखित में दीजिए, ऐसा करके बोले। परंतु मांग क्या है आप? हमारी मांगे हैं सर 7 सूत्री मांगे हैं जो सही है, कलेक्टर को वेतन मांग वेतन नहीं कलेक्टर फंड से हो सकता है सर। वाराणसी वन परिक्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में इन दिनों आदमखोर बाघ की दहशत बनी हुई है। लोग शाम होते ही बाघ के हमले से बचने अपने घरों में दुबक जाते हैं, वही जंगल की ओर जाने से भी बच रहे हैं। इसके बावजूद बाघ के द्वारा मौका देखकर गांव में घुसकर मवेशियों का शिकार किया जा रहा है। रविवार की रात्रि में बाघ ने झालीवाड़ा में कोठे में बंधी 2 गायों को अपना शिकार बनाया। जानकारी के अनुसार प्रकाश ठाकरे और ताराचंद नागोसे के कोठे में मवेशी बांधे हुए थे, जहां पर रात्रि के समय बाघ ने अचानक हमला कर दिया, जिसकी सूचना पर वन विभाग अमले ने बाघ का शिकार हुई गायों का स्थल निरीक्षण किया और मुआवजा प्रकरण तैयार कर ग्रामीणों को बाघ के प्रति सतर्क रहने की जानकारी दी। आपको बता दें कि वाराणसी परिक्षेत्र के ग्राम नांदगांव में हाल ही के दिनों बाघ ने एक महिला को भी मौत के घाट उतार दिया। वही बोटेझरी, नगझर, अंसेरा, बासी सहित आधा दर्जन गांवों में लगातार बाघ की आहट देखी जा रही है, जिससे लोग भय के साए में रात गुजार रहे हैं। वन परिक्षेत्र दक्षिण लामता के चाचेरी वन चौकी के अंतर्गत फॉरेस्ट विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वन्य प्राणी चीतल का पका हुआ मांस और पेंगोलिन के शल्क को बरामद किया है। इस प्रकरण में वन अमले ने डोंगरबोड़ी निवासी दिलीप गोंड और आधार सिंह गोंड को हिरासत में लिया, जिनके पास से चीतल का चमड़ा, GI तार और विद्युत करंट में उपयोग की जाने वाली खुटिया सहित अन्य सामग्री जब्त की गई। पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत
तहत कार्रवाई करते हुए मामले को विवेचना में लिया है। इस पूरी कार्रवाई में शिवमपुरी गोस्वामी वन परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण लामता, परिक्षेत्र सहायक रूप सिंह परते नरेंद्र बंसोड़, वन रक्षक दिलीप कुमार बांते सहित अन्य का योगदान महत्वपूर्ण रहा। आज हमको मुखबिर की द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग डोंगरबोड़ी के चीतल का शिकार करके मांस पका रहे हैं जी। तो हमारे द्वारा ग्राम डोंगरबोड़ी गए, वहाँ पे हमने दिलीप वलदीप सिंह गोंड के घर गए तो उसके यहाँ 2 से 2.5 किलो चीतल का मांस पका हुआ, और जब घर की तलाशी लिए तो उसके घर से पेंगोलियन के कुछ अवशेष मिले हैं जी। और इसके बाद दिलीप की निशानदेही पर फिर आधार सिंह को पकड़े तो आधार सिंह के घर से भी पेंगोलियन के हमको कुछ अवशेष मिले हैं। इसके बाद इनके निशानदेही पर घटना स्थल पर गए, वहाँ पर हमें जो करंट लगाए थे जीआई तार मिला है, खूटियाँ मिली है, कुछ कांच के बॉटल मिले हैं और चीतल का चमड़ा प्राप्त हुआ है। पीजी महाविद्यालय बालाघाट में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने आज सेकंड ईयर के परीक्षा परिणामों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने बताया कि जो परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है उसमें 250 से अधिक छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। उन्होंने बताया कि फेल होने के बाद उनका एक नहीं बल्कि 2 वर्ष का नुकसान होगा। यह परीक्षा परिणाम पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है, इसकी जांच होना चाहिए, अन्यथा वे आंदोलन करने बाध्य होते रहेंगे। बार बार गलतियां छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 2 सालों से देखा जा रहा है कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी जो रिजल्ट दे रही है, हमारा रिजल्ट अभी थर्ड ईयर का टाइम था, थर्ड ईयर के टाइम में हमारी फीस सेकंड ईयर का भी कम्प्लीट था, जो रिजल्ट उन्हें दिया थर्ड ईयर में दिया हम, और अभी हमें पेपर का टाइम है, थर्ड ईयर का अभी एग्जाम आ जाएगी हमारी, तो हमारा तो रिजल्ट देखो ना सेकंड ईयर भी खराब कर दिया और थर्ड ईयर भी खराब कर दिया, तो इसमें भविष्य अंधकार में जा रहा है। हम मांग करते क्योंकि हमारा हम 2 साल क्या करेंगे, 2 साल बर्बाद हो चुका है हमारे, तो मांग करते कि हमको पास कर दिया जाए हमारा सेकंड ईयर। तो क्या फेल का रिजल्ट आया? फेल कर दिया गया, 75% स्टूडेंट फेल हो चुकी है अभी। ऑल इंडिया नेहरू इंदिरा कमेटी बैहर के द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का रविवार को समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस मौके पर खिताबी मुकाबले में क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके और जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार प्रमुख अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथियों में जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संतोष बिसेन, सिराज अख्तर, देवलाल भास्कर भी मौजूद रहे, जहां पर सभी अतिथियों ने फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला देखा और विजेता टीम भरवेली बालाघाट और उपविजेता बड़वानी की टीम को पुरस्कृत भी किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष श्याम किरार ने सफल आयोजन के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया और दोनों ही टीमों को उत्कृष्ट खेल के लिए बधाई भी प्रेषित की। जो ऐसे टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में बहुत सहयोग करते हैं, कुकवा जहाँ फुटबॉल के बहुत सारे क्लब हैं, गांव गांव में चल रहे हैं और फुटबॉल की लोकप्रियता मैं ऐसा मानता हूँ कि बालाघाट जिले में अगर सबसे ज्यादा नहीं है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि भैया विधानसभा क्षेत्र में पूरा आदिवासी अंचल है, सुविधाएं हैं के अभाव में भी हमारे युवा खिलाड़ी और इन युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बहुत सारे गांव के ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और ग्रामीण जन आगे आगे उनको प्रोत्साहित करते हुए खेल का मैदान उपलब्ध कराते हैं, उनको सुविधा उपलब्ध कराते हैं और उनके क्लब में जो यथासंभव सहयोग हो वो करने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ी मेरे लिए उपलब्धि की बात है। हमारे इस क्षेत्र में खेल प्रेमियों की संख्या बड़ी संख्या में है।